हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो हमारी क्लास है ये पीपीटी पर होगी, कॉन्ट्रेरी टू हमारी बोर्ड वाली क्लास। तो आई होप आपको ये वाली क्लास इंटरेक्टिव लगे। इसमें बहुत कुछ फॉर्मूलाज वगैरह थे, तो इसलिए डिसाइड किया गया कि आपको इस पे बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में आप सबको याद होगा कि हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बेसिक्स करे थे। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि बेसिकली पार्टनरशिप अकाउंटिंग होता क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है हमारी, कि जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर एक काम शुरू करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग चीज़ें देखी थी कि उसमें अकाउंट्स कौन से बनते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, कोई आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इस तरह से सारी हमने जो थी एडजस्टमेंट्स देखी थी, और उसमें करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब एडजस्टमेंट्स करी थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, हर एक में आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। तो ये टॉपिक है हमारा गुडविल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिकली गुडविल होता क्या है? गुडविल जो है वो बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है। इट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, गुडविल से आपको मतलब, गुडविल अगर आप सरल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, गुडविल उस बिजनेस की रेपुटेशन है जिसकी वजह से उसके पास जो है एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो है काम आता है। ठीक है, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप दो लोग हैं, ठीक है, दो अलग अलग दुकानें हैं, आप दोनों दोनों पर सेम सामान मिलता है, तो आप किसके पास जाना पसंद करेंगे? आप उस व्यक्ति के पास जाना पसंद करेंगे जो आपसे अच्छे से बात करता है, जिस पे आपको भरोसा है कि ये जो चीज़ है वो जेन्युइन चीज़ देगा। ठीक है, जिसकी आपको चीज़ पर भरोसा है कि इससे असली चीज़ मिलेगी और इस पे कोई गलत रेट का या कुछ भी ऐसा नुकसान नहीं देखना पड़ेगा आपको। तो ये इसको हम कहते हैं, इस रेपुटेशन को हम कहते हैं गुडविल। ठीक है, अकाउंटिंग में जो इसका ट्रीटमेंट है, गुडविल को बहुत एक इंपॉर्टेंस दी जाती है अकाउंटिंग में, क्योंकि गुडविल से आपकी बहुत चीज़ें डिटरमाइन करती हैं। क्योंकि गुडविल से आपकी डायरेक्टली जो है वो सेल्स इफेक्ट करती है। ठीक है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इफेक्ट करती है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी मार्केट में तो आपकी जो चीज़ है वो अच्छे प्राइस पे बिक जाएगी, लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन बुरी होगी तो आप कुछ भी किसी भी तरह का प्राइस रख लीजिए, जितना मर्जी कॉम्पिटिटिव प्राइस रख लीजिए, आपकी जो चीज़ है आपको बेचने में हमेशा कठिनाई आएगी। ठीक है, गुडविल क्या होता है? गुडविल उसकी रेपुटेशन है जो उसके हार्डवर्क और ऑनेस्टी से एक ओवर द टाइम एक रेपुटेशन बनाई जाती है। ठीक है, ताकि जो कस्टमर है, ठीक है, जो कस्टमर है वो बार बार जब आएगा आपके पास तब आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा, उस गुडविल का फायदा मिलेगा। राइट, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच इनेबल्स इट टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, किसके कंपैरेटिवली? बाकी दुकानदारों के कंपैरेटिवली, बाकी बिजनेस के कंपैरेटिवली जो सेम काम कर रहे हैं उनसे जब आपको एज मिलेगा उसको हम कहेंगे गुडविल। ठीक है, तो गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो फीचर है वो है ये इंटेंजिबल एसेट होता है। एसेट क्यों? क्योंकि इसका आपको बेनिफिट मिलता है ओवर सम टाइम पीरियड। ठीक है, इसका आपको बेनिफिट मिलता रहता है ओवर सम टाइम पीरियड। और इंटेंजिबल क्यों? क्योंकि ये कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं है गुडविल की, ये आपको सिर्फ एक आपका इंटेंजिबल एसेट है, इमेजिनरी एसेट है जो आपको फायदा दे रहा है। ठीक है, इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट, डेफिनेटली वैल्यूएबल, क्योंकि आपको बिना एक सिर्फ एक हार्डवर्क और ऑनेस्टी को अगर आप फॉलो करके बिना कुछ पैसे लगाए आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली ये एक वैल्यूएबल एसेट बन गया। ठीक है, इट हेल्प्स इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, आप एक्सेस प्रॉफिट कमा रहे हैं अपनी गुडविल की वजह से। कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन होते रहेंगे गुडविल में, बिल्कुल कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन इसलिए क्योंकि इसकी जो प्राइस, इसका जो अमाउंट सर्टन करना है वो बहुत डिफिकल्ट है, और कोई डायरेक्ट मतलब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई एक्यूरेट मेथड नहीं है गुडविल को सर्टन करने के लिए। ये सिर्फ एस्टिमेशन होते हैं गुडविल के, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज़ परचेज्ड। वो मैं आपको अभी समझाऊंगा अगले वाली स्लाइड में। इट इज़ वैल्यूएबल ओनली वेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। आप गुडविल को सेपरेटली नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, क्या आप अपनी रेपुटेशन बेच सकते हैं बिना अपना बिजनेस बेचे? बिल्कुल नहीं। जब आप पूरा अपना बिजनेस बेचेंगे, पूरा अपना सेटअप बेचेंगे, तभी जो सामने वाला बायर है उसको आपकी गुडविल का फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑन गुडविल। ये हमने अभी डिस्कस किया कि क्यों डिफिकल्ट है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल। अब टाइप्स ऑफ गुडविल में क्या हो सकता है? एक गुडविल तो हो सकती है जो आपने खरीदी
खरीदी। एक हो सकती है जो आपने खुद बनाई। खरीदी वाली जो गुडविल है उसे हम कहते हैं परचेज्ड गुडविल, और जो बनाई है उसे हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। राइट। अब जो बनाई है वो आपका अपना एफर्ट था, वो आपकी अपनी ऑनेस्टी थी ओवर द टाइम पीरियड, तो जिससे ये आपकी गुडविल बनी। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 26 कहता है कि जो आपने ये गुडविल बनाई थी इसको आप अकाउंट्स बुक में रिकॉग्नाइज रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू थी, या जब तक आप इसको बेचना नहीं चाहेंगे, जब तक आप इस बिज़नेस को सेल ऑफ करने का नहीं सोचेंगे, तब तक आप इसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन जो खरीदी हुई गुडविल है, जो आपकी परचेज गुडविल है, जिसके लिए आपने पैसा दिया, ठीक है, सपोज आपने किसी का ब्रांड टेक ओवर कर लिया, कोई एक्स वाई जेड एक ब्रांड था, बहुत अच्छा ब्रांड था, वो आपने अपने अपने यूज़ के लिए टेक ओवर कर लिया, तो उसके लिए आपने कंसिडरेशन भरी होगी, पैसा भरा होगा, तो उस कंसिडरेशन से जो आपको गुडविल मिली वो आप बुक्स में अपने रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसके लिए कंसिडरेशन दी है हमने। अगर उसकी वैल्यू 10 रुपये थी और हमने भरे 20, तो वो जो बैलेंस 10 और 20 का 10 रुपये बैलेंस है वो आपका गुडविल आएगा। ठीक है, तो गुडविल परचेज गुडविल क्या है? परचेज गुडविल वो गुडविल है जिसके लिए कंसिडरेशन पे की गई है, व्हेन द बिजनेस इज परचेजिंग एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन। मतलब अगर एक बिजनेस की वैल्यू 100 रुपये थी, उस बिजनेस को खरीदने के लिए हमने 150 रुपये दिए हैं, तो वो जो 50 रुपये हैं वो आपकी गुडविल है उस बिजनेस की, इट विल बी सेपरेटली रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है, और इसके कॉन्ट्रेरी जो हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये इनहेरिट गुडविल है, ये आपने खुद अपनी गुडविल बनाई है, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, चलिए अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं? मेथड तीन मेथड है हमारे पास। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में हमारे पास एक एवरेज प्रॉफिट मेथड है और एक आता है वेटेड एवरेज, इसी का थोड़ा बेहतर वर्जन। एक सुपर प्रॉफिट मेथड है, और कैपिटलाइजेशन में भी हमारे पास दो है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये मेथड सारे क्या है इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि जो आपकी गुडविल है वो नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट ईयर पे बेस होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा आपका एवरेज प्रॉफिट और एक होगा आपका नंबर ऑफ इयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट तो हमें डायरेक्टली समझ आता है कि कुछ इयर्स का हमें एवरेज लेना होगा, लेकिन ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है? नंबर ऑफ इयर्स परचेज वो ईयर हैं जो आप डिटरमाइन करते हैं कि आने वाले इतने टाइम के लिए हमें इस गुडविल का फ़ायदा मिलेगा। मतलब अगर आप कहते हैं कि मेरा एवरेज प्रॉफिट जो है पिछले 5 सालों में 10,000 है, तो ये जो 10,000 का फ़ायदा है, ये जो एवरेज प्रॉफिट है, अगले 2 साल तक इतना ही रहेगा मेरी गुडविल के बेस पे, तो वो 2 साल हम कहेंगे हमारे हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज्ड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट्स इज मल्टीप्लाइड बाय एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपका एक एस्टिमेशन होता है, एग्रीड जो अमाउंट होता है पार्टनरशिप में, ये आपका एस्टिमेशन ही होता है, इसमें एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि इतने साल या इतने साल आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। राइट, तो इसका फॉर्मूला भी यही है, गुडविल विल बी एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? जितना भी आपको एवरेज दिया गया होगा सवाल में कि 5 साल का एवरेज लेना है या 4 साल का एवरेज लेना है, उसका टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, मतलब जितने भी 4 या 5 साल थे। लेकिन अब ये प्रॉफिट कंसीडर करते हुए आपने कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वो क्या पॉइंट्स हैं? कि आपकी जो अबनॉर्मल इनकम है वो डिडक्ट करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो आपकी
रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है, वो अबनॉर्मल इनकम है, तो आप उसको एवरेज में कंसिडर करते हुए वो गलत हो जाएगा उसका जवाब, ठीक है। अगर कोई अबनॉर्मल लॉस है वो आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हर साल नहीं होगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर उसी साल में हो गया, तो इससे आपकी जो एस्टिमेशन अमाउंट है वो गलत हो सकती है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स मतलब आपकी जो है अदर इनकम्स, इनडायरेक्ट इनकम, ये जो है ये आपको डिडक्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो इनकम आपको मिली थी ये आपके बिजनेस कोर्स ऑफ बिजनेस से नहीं मिली थी, बल्कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी उसके लिए मिली थी, ना कि आपकी ट्रेडिंग के लिए, ना कि आपके रेगुलर जो आपका यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए। चलिए अगला मेथड देखते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, सेम एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, लेकिन इसमें हम हर ईयर को, जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, 2017, 2018, 2019 और 2020, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हर ईयर को हम एक वेट अलॉट कर देंगे। वेट किस ऑर्डर में अलॉट करेंगे, कि जो सबसे पुराने ईयर है उसको 1, और उसके बाद इंक्रीजिंग मतलब जो करंट ईयर है, जो लास्ट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेटेज मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉफिट उस ईयर का होगा वो आपको सबसे ज़्यादा वेटेज मायने रखेगा आगे के प्रॉफिट डिटरमाइन करने में। मतलब अगर 2020 में आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं इसके ज़्यादा चांसेस है अगले साल आने के, रादर कि आपने जो प्रॉफिट 2017 में कमाया था, ठीक है। अब वेट्स असाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो इस ईयर का प्रॉफिट है, जैसे कि 10,000, 20,000, 25,000, 25,000, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को वेट से, तो टोटल क्या हो जाएगा, 10,000, 40,000, 75, 75,000 और 1,00,000, टोटल आ जाएगा हमारे पास 1, 1,70, 2,10, 2,25, ठीक है। 2,25 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स, टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने हुए, 1 + 2 3, 3 + 3 9, और 6, 6 + 4 10, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा आपका 22,500, ठीक है। ये आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ इयर्स जितने भी क्वेश्चन में दिए होंगे, 2, 3, 4 जितना भी आपको सवाल में दिया होगा, ठीक है। इट इज़ अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हाईएस्ट वेट इज अटैच टू प्रॉफिट ऑफ द मोस्ट रिसेंट ईयर। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो वेट वाली बात है, कि जो हाईएस्ट वेट है वो आपको मोस्ट रिसेंट ईयर में ही देना है। सेम फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स। गुडविल विल बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट 22,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, राइट। चलिए अगला मेथड देखते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है, सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है, एक तो बिजनेस में होता है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, आप बिजनेस एक रन कर रहे हैं और आपको एक प्रॉफिट आ रहा है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं हम, सुपर प्रॉफिट अगर आपको लगता है कि मुझे नॉर्मल कोर्स में 100 रुपये प्रॉफिट आना चाहिए था लेकिन आपको आ 110 रुपये रहा है, तो ये 10 रुपये विल बी कॉल्ड योर सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि ये नॉर्मल प्रॉफिट और ये सुपर प्रॉफिट डिटरमाइन कैसे होता है। सुपर प्रॉफिट क्या है, जो नॉर्मल प्रॉफिट से ओवर एंड अबव है। नॉर्मल प्रॉफिट आप किससे कंपेयर करेंगे, आपकी अदर जो हैं फर्म्स हैं, मतलब सेम आपके ट्रेड में कोई और व्यक्ति काम कर रहा है, उसे बन रहे हैं ये 100 रुपये, आपको आ रहा है 110 रुपये, तो आप कहेंगे कि मुझे 10 रुपये का जो है सुपर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, गुडविल, गुडविल हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो इसके बाद मुद्दा आ जाता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो हमें क्वेश्चन में दिए होंगे, सुपर प्रॉफिट कैसे एस्टिमेट होगा। सुपर प्रॉफिट होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, सिंपल है। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हम किस हिसाब से निकालेंगे, हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से। मतलब अगर मैंने कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पैसा होता है जो आपने बिजनेस में लगाया हुआ है, जो आपकी बिजनेस को चला रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम देखते हैं कि भाई 1,00,000 रुपये अगर मैंने काम में लगाया है, अगर मैं मान रहा हूँ कि 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है,
तो मुझे 10,000 रुपये प्रॉफिट आना चाहिए था, ये तो हो गया मेरा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है 10,000। लेकिन अगर उससे कुछ ऊपर आ रहा है, एवरेज आपकी ऊपर है, तो वो हो जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसा निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी माइनस आपके फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपके ट्रेड से लिंक नहीं करती हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, जो अभी हमने पिछले उसमें भी डिडक्ट की थी, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट डिडक्ट किया था ना, वही वाली इन्वेस्टमेंट्स हैं ये वाली भी, ठीक है। तो इन सब एसेट्स में से आप ये सब चीज़ें माइनस कर देंगे, वो आ जाएगी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब ये पैसा आपका बिजनेस चला रहा है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड और क्या हो सकता है? कैपिटल आपकी टोटल कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, ये भी आपकी कैपिटल का हिस्सा होता है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखा था। इसमें से जब आप अपने सारे फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देंगे, उसे हम कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। एवरेज कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? आपकी ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगी हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को जब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट से जब हम एवरेज प्रॉफिट अपना डिडक्ट करेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स विल बी योर गुडविल, ठीक है। ये फॉर्मूलाज बड़े ही क्रूशियल हैं, एक बार ही आपने इनको मेमोराइज भी कर लेना है, वैसे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। अगर हम इसको उल्टा लें, स्टेप 1, दिस शुड बी योर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5। क्वेश्चन में आपको यूपीएससी बिल्कुल ऐसा पूछ सकता है कि इस सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये सारे स्टेप हैं जो मेमोराइज होने चाहिए आपको, कि कौन से स्टेप के बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए लास्ट हमारा जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम सबसे पहले देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सिमिलर टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, बस इसमें हमने जो गुडविल है वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद उस प्रॉफिट को कमाने के लिए जो हमारी कैपिटल नीडेड है उसको हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे जज करते हैं, कि अगर मेरा इतना एवरेज प्रॉफिट आ रहा है तो इसके लिए मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए थी, कि जिस वजह से, मतलब मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपये आ रहा है, और जो इंडस्ट्री का रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%, ठीक है, तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए थी इस 10,000 को कमाने के लिए? इट शुड हैव बीन 10,000 डिवाइड बाई 10%, विच शुड बी 1 लाख, ठीक है। मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपया लगाया हुआ था अपने काम में, तो 10% के हिसाब से मुझे 10,000 रुपया आना चाहिए था, राइट। तो कैपिटलाइजेशन मेथड कहता क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड कहता है कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न, आप कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब जितना आपका प्रॉफिट आ रहा है उसके हिसाब से आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 1 लाख रुपये होनी चाहिए थी, ये हमने निकाला। लेकिन आप कहते हैं कि मैंने 1 लाख रुपया तो लगाया ही नहीं, मैंने तो लगाया था 80,000 रुपये, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये जो इनका डिफरेंस है 20,000 का, ये किस कौन प्ले कर गया? ये है आपकी गुडविल, ठीक है। ये 20,000 का रोल जो है गुडविल ने प्ले करा, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 80,000 रुपये लगाकर 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड का फ़ायदा मिल गया, तो हम ये कहेंगे कि ये जो 20,000 डिफरेंस था ये हम आपकी गुडविल थी जो आपके लिए काम कर रही थी, ठीक है। आप फॉर्मूलाज भी एक बार ही देख सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए। उसके बाद जब आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स निकल गया, उसको हम आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड से डिडक्ट कर देंगे, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड को इस एवरेज में से डिडक्ट कर देंगे, और आपके पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए अगला मेथड देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो किस वैल्यू से आ रहा था, ठीक
ठीक है, सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें जो वैल्यू लगी थी इसमें, तो देखिए अभी लास्ट मेथड में हमने क्या देखा, लास्ट मेथड में देखा कि आपका जो एवरेज प्रॉफिट है इसको कमाने के लिए हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी चाहिए थी और हमने एक्चुअल में लगाई कितनी थी। लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड में हम उल्टा करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम देखेंगे कि ये सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी कैपिटल वैल्यू चाहिए थी और वही हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें नॉर्मल प्रॉफिट को हम कंपेयर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ सुपर प्रॉफिट करेंगे। सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, अभी हमने देखा था पीछे कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है। चलिए सारे फॉर्मूलाज आ गए, तो सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट था। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली थी, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। तो हमारे पास जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय जब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, मतलब अगर आप कह रहे हैं कि एक एवरेज, इसमें लेता हूँ एवरेज प्रॉफिट था 10,000 रुपये, राइट, और नॉर्मल प्रॉफिट जो था, जो आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से था, 8,000 रुपये आना चाहिए था आपको, तो आप क्या कहेंगे, सुपर प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 2,000 रुपये, राइट। और आपकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी वो कितनी थी, 10% थी, तो 100 डिवाइड बाय 10, तो आप, ओ सॉरी, गुडविल आएगा। ठीक है, ये सुपर प्रॉफिट हो गया आपका 2,000, तो आपकी गुडविल कितनी हुई, ये सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए आपने कोई कैपिटल नहीं लगाया था, तो ये हम कहेंगे कि ये थी हमारी गुडविल। तो ये कितना अमाउंट हो गया, 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 आपका इस केस में गुडविल हो जाएगा, राइट। आई होप किसी को कोई भी डाउट ना हो। तो आज हमने गुडविल देखा और उसके अलग अलग मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन देख लिए, ये था हमारा गुडविल का टॉपिक। आप तो अगली क्लास में हम जो है वो हमारा एडमिशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद एडमिशन शुरू करेंगे, ठीक है, फिर उससे अगली क्लास में हम लेंगे रिटायरमेंट और डेथ वाला अपना पार्टनरशिप का केस, राइट। आपको ये अगर वीडियो